वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है होम टेक्स एंड टिप्स चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बैटरी लेने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि जो मेरी गाड़ी है लगभग एक महीने बोले तो 25 दिन, पाँच ही दिन कम रहे, 25 दिन से गाड़ी खड़ी हुई थी। अब आज उसकी ये बैटरी आई है, क्योंकि कंपनी वालों ने बहुत ही झुलाया और मैंने कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, तो उन चीज़ों से मुझे जो नुकसान हुआ वो मैं आपको बताने वाला हूं, शेयर करना चाहता हूं कि आप किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। क्या होता है, हम बैटरी तो ले लेते हैं लेकिन पर हम सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि बैटरी की गारंटी कितनी है, और बैटरी की गारंटी सुनने के बाद हम सोचते हैं हाँ ये तो गारंटी में, ये तो वापस हो भी जाएगी। लेकिन जब वो प्रैक्टिकली तौर पे कुछ हमारे साथ होता है और हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हमने गलती कहाँ करी। तो पहली गलती जो मेरी ये थी कि मैंने जब बैटरी खरीदी तो मैंने सामने वाले से ये नहीं पूछा कि भले से मेरी बैटरी गारंटी में है, जब मैं मेरी ये बैटरी दूंगा तो मेरी कार खड़ी रहेगी, तो उतने टाइम के लिए आप मुझे कोई बैटरी देंगे या नहीं देंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यही है कि आप जिससे भी बैटरी ले रहे हैं उससे पूछें कि बैटरी खराब होने पर जब तक बैटरी कंपनी से नहीं आएगी तब तक आप मुझे एक बैटरी यूज करने को देंगे या नहीं देंगे। दूसरी चीज, बिल्कुल अच्छे से संभाल कर रखें, क्योंकि आजकल पेपरलेस वारंटी का टाइम आ गया है। लेकिन दोस्तों, ये मेरी जो कार की बैटरी थी ये पेपरलेस वारंटी में थी, आने ये फोन के द्वारा मैंने इसको रजिस्टर्ड किया, और फोन के द्वारा रजिस्टर्ड करने के बाद कोई भी बिल की आवश्यकता नहीं होती है, आपकी गारंटी ऊपर रजिस्टर हो जाती। लेकिन मेरे से डीलर ने बिल मांगा, उनने यही कहा कि आपको बिल देना होगा, क्योंकि एक्चुअली जिस डीलर मेरे क्षेत्र में है उससे मैंने बैटरी नहीं ली थी, बैटरी मैंने किसी और से ली थी। लेकिन बात यह है, जब कंपनी की बात आएगी, हमने बैटरी किसी और से भी ली हो लेकिन ली तो हमने ब्रांड की बैटरी थी। तो दोस्तों, उनने मेरे से कहा आपने किसी अदर से ली इसलिए मुझे बिल चाहिए। तो पहली चीज़, यदि आप बैटरी किसी और से ले रहे हैं और आपकी जगह कहीं और है रहने की, जहां आपका डीलर है या जो एक्साइड का डीलर है, तो वो आपसे बिल मांग सकता है, इसलिए बिल की कॉपी को भी संभाल कर रखें। बैटरी बदलने का टाइम पीरियड क्या होगा, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, ये एक चीज़ आप बिल्कुल क्लियर कर लें डीलर से बैटरी लेते समय, कि यदि मैं आपको बैटरी देता हूँ मेरी ख़राब हो जाने पर कार की, तो आप मुझे कम से कम कितने दिन में रिटर्न देंगे या ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन लगेंगे। क्योंकि एक्साइड से मैंने कम से कम 200 बार मेल भेजे, बहुत कुछ भेजा, 25 दिन लग गए। और दूसरी चीज़, मेरी बैटरी वहाँ से इशू भी हो गई थी लेकिन उन्होंने दी नहीं, उन्होंने कहा कि स्टॉक में बैटरी नहीं है। फिर इनके पास आया तो इनने कहा कि भाई हमने आपको बैटरी, आपने हमसे नहीं ली है। तो मैं सिर्फ इनकी प्रोसेस के ही पीछे झूलता रहा, और इस प्रोसेस के बीच मुझे बहुत टाइम हो गया था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इसमें, कि कंपनी कुछ कहती है, कंपनी ने कमिटमेंट किया कि हम 15 दिन में आपको बैटरी बदल के देंगे, परंतु 15 दिन में कभी नहीं मिलती। और इसमें और कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हुई जो मुझे नुकसान हुआ, कि मैंने अभी कार जस्ट शार्प करके रखी है, तो 25 दिन कार खड़ी रही, उसके दौरान उसमें इंजन तरफ कुछ चूहे या जो भी क्या है, मेरी कार एक ग्राउंड में खड़ी रहती है, चूहे पहुंच गए जिसने वायरिंग को डैमेज कर दिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने कंपनी के कस्टमर केयर को मेंशन करी, मैंने उनको बार बार यही कहा कि सर मेरी गाड़ी इतने दिन से खड़ी है, क्योंकि दोस्तों ये होती है डिन बैटरी 65A, तो दोस्तों ये रेंट पे भी नहीं मिलती है, कोई देता भी नहीं, और कोई अपनी कार की निकाल के क्यों देगा आपके लिए। और ये बैटरी खराब होती है, और ख़राब होने के बाद ये कुछ भी यूज़ की नहीं रहती है, तो ये आने आपको पुरानी भी नहीं मिलती है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, मेरे अनुसार तो आप ये ना करें, यदि ऑनलाइन बैटरी ली है तो आपकी परेशानी बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए ऑनलाइन ना खरीदें, डीलर से ही लें। पेपरलेस वारंटी हो तो बिल जरूर रखें आप। एक्साइड केयर पे मैंने 15 से 20 बार कॉल किया, जिसका कोई रिस्पॉन्स नहीं, उन्होंने कहा मेल भेजो, मैंने मेल भेजा, सब कुछ किया, सिर्फ रिटर्न में ही आया हम आपकी जल्द से जल्द सोल्यूशन कर देंगे। लेकिन दोस्तों, 25 दिन से कोई सोल्यूशन नहीं हुआ था। तो आज फाइनली ये बैटरी आई है और मैं आज इसको लगाऊंगा कार में, जो कि 25 दिन बाद मेरी कार रनिंग होगी, तो इससे बहुत नुकसान है। तो इसलिए आप इस चीज़ का बहुत बहुत बारीकी से ध्यान रखें कि बैटरी लेते समय उससे पूरी कमिटमेंट आप एक कागज पे या सादे पेपर पे लिखवा लें, कि आप मेरे लिए जब मैं आपको बैटरी दूंगा तो आप मेरे लिए ये लिख के दें कि उतने टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड मेरी बैटरी चेंज होने को गई है, जैसे 10 दिन लग रहे हैं, 15 दिन, तो आप 15 दिन के लिए आप मेरे लिए सिर्फ एक बैटरी देंगे, कोई भी पुरानी बैटरी देंगे जिससे मेरी कार चलती रहे, या आप मेरे लिए एक बैटरी उपलब्ध करा देंगे। ये आप बिल्कुल क्लियरली बात करें, क्योंकि ये डीलर लोग बाद में बदल जाते हैं और इसका परेशानी अपन को भुगतनी पड़ती है। तो दोस्तों, यही एक गारंटी के ऊपर एक वीडियो था जो मेरे साथ हुआ, और जो कि मैंने पूरे तरीके से पेपर में लिख के
क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये परेशानी अपने सिर्फ माइंड में रहती कि बैटरी गारंटी में है, लेकिन गारंटी में तो है, कंपनी भी कहती गारंटी में हम आपको नई बैटरी देंगे, लेकिन कब देंगे ये मेन बात है। क्योंकि आपकी यदि बैटरी चली गई आपकी कार से निकल के, अब एक महीने में आएगी तो एक महीने तक कार खड़ी रहेगी, तो ये आपका नुकसान होगा। तो दोस्तों इस तरीके की सावधानी ज़रूर रखिए, और इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।